पब्लिक यहाँ से आके ना सुसाइड कर लेती। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। और गाइस, मैं निकल चुका हूँ एक और नई राइड पे। फिलहाल मैं अपने घर से हूँ 20 किलोमीटर दूर और यहीं से अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। इस टाइम मैं हूँ इस खूबसूरत ब्रिज पे और ये ब्रिज बना है ब्यास नदी के ऊपर। आप देख सकते हैं उधर ब्यास नदी नीचे बह रही है और ये ब्रिज से फेंसिंग इसलिए लगा रखी है बिकॉज पब्लिक यहाँ से आके ना सुसाइड कर लेती थी। यहाँ से आते थे और कूद जाते थे, सेफ्टी के लिए इसलिए फेंसिस लगा दी है। और गाइस, मैं रुका हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स का। वो अभी थोड़े से 5-7 किलोमीटर पीछे हैं, वो भी मेरे साथ जा रहे हैं इस ट्रिप पे। और इस जगह पे मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा। और मौसम ठीक है। ये ट्रिप मेरा जो ट्रिप है ना, ये होने वाला है 3 दिनों का और 3 दिनों में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ बहुत सारी जगहें। तो गाइस चलते हैं। हाँ, वो जस्ट निकले हैं अभी आगे फैमिली मेम्बर, तो उन्हीं को ही फॉलो करूँगा, साथ में रहेंगे तो बेटर रहेगा, है ना। चलो जी, फ़ोन को भी चार्ज कर देते हैं। 80% चार्ज हो गया, तो इसका मतलब चार्जिंग हो रही है। चलो भाई, जोश पूरा है। अभी हल्का सा ठंड है, दिन में शायद गर्मी लगेगी। और फिर मुझे लग रहा है कि बार्मर वगैरह जो मैं उतार दूंगा, थर्मल जो है अंदर का। बरसात के दिनों में ये जो पुल है ना, एक साइड से पानी ने ना वो डैमेज कर दिया था, अभी रिपेयर हुआ है पुल। बहुत पुराना पुल बना हुआ है ब्यास नदी पे। चलो अभी हम लेंगे यहीं से राइट ले लेंगे नदौन की तरफ, और नदौन से फिर हम लेफ्ट लेंगे अंब की तरफ। अंब तक कैसे जाना है, वहाँ तक का रोड तो मुझे मालूम है, उसके आगे मैं मैप लगाऊंगा। तेल अभी नहीं डलवाएंगे, अभी है तेल, 250-300 किलोमीटर तो चली जाएगी। और यहाँ से लेना है मुझे राइट, लेफ्ट जाएंगे तो सीधा सुजानपुर की मार्केट में घुस जाएंगे। और ये ट्रक भी देखो, इसने भी राइट ले लिया यहाँ से। अरे ओ संभा, कितना ही नाम रखे है सरकार हम पे, 7 लाख जुर्माना और 10 साल की कैद भाई सही लगवाया इसने, पर अभी तक वो हुआ नहीं है रूल, 10 साल की कैद और 7 लाख जुर्माने वाला। रिसेंटली लिखवाया होगा इसने मेरे को लग रहा है। और यहाँ देख लो, पास लेना थोड़ा सा मुश्किल है। सो गाइस, अभी मैं पहुँच चुका हूँ नदौन, और यहाँ से जो मेरी डेस्टिनेशन है वो है 178 किलोमीटर, तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है। और गाइस, मैं जा रहा हूँ अमृतसर, जहाँ पे गोल्डन टेंपल भी है, जलियांवाला बाग, ये सारी जगहें हैं। मैंने 60-70 किलोमीटर का सफ़र कर लिया अभी थे और टाइम भी 12 बज गए हैं, तो कहीं थोड़ी देर के बाद हम लंच के लिए भी रुकेंगे। और ये महान पुल है अभी जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं। देख लो भाई, क्या मस्त जगह है, जंगलों के बीच में खूबसूरत हाईवे, अच्छा लगता है चलाने का, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। नहरियां 3 किलोमीटर और मैडी 3 किलोमीटर, तो एक सीधा और एक लेफ्ट साइड जाके मिलेगा आपको। HRTC की बस भी मिली है, हमीरपुर जा रही है। ओले, हम 8 किलोमीटर है यहाँ से, 8 किलोमीटर के बाद ही राइट टर्न है, तो हमसे हमें राइट लेना है। नई नई जगहों के नाम पता चल रहे हैं। हम आते हैं इस हाईवे पे, दिल्ली जाते हैं, बट वो बस में जाते हैं, रात को जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता जगहों के नाम, पर दिन में आओगे तो पता चलेगा, बोर्ड लगा रखे हैं। और हम पहुंच चुके हैं अम्ब,
ये बोर्ड लगा हुआ आंब का, 1.3 किलोमीटर के बाद है राइट टर्न कहीं से। कल शिवरात्रि थी ना, तो आज उसका भंडारा है, बिकॉज शिवरात्रि के दिन तो सभी व्रत रखते हैं, तो उसके अगले दिन वो भंडारा होता है, तो जगह जगह पे हमने देखा भंडारे लगे हुए हैं। आए झंडे खूबसूरत लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, रोड के ना बगल में थोड़ी थोड़ी दूरी पे देखने को मिल जा रहे हैं। और भाई खेतों में लगी हुई है सरसों, गेहूं, एक सरसों पीले पीले फूल वाली सब खेतों में ना सरसों ही है, और दिल खुश हो रहा है इन खेतों को देख के, पूरे हरे भरे हैं। क्या हाल है, ठीक हो भाई? हेलो कर रहे थे अमृत सर, पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे थे, यही पूछ रहे होंगे शायद सुनाई तो नहीं दिया मेरे को। ओ भाई, और हमें तो सीधा जाना है। जलंधर कहाँ जाना? हाँ चले, बीच में तीन चार जगह पे हमने लेफ्ट राइट टर्न लिए, कहीं लेफ्ट लिया कहीं राइट लिया, और अभी हम हैं जलंधर वाले हाईवे पे। ये है NH3, बहुत ही सुंदर रोड है, रोड के दोनों साइड ये यूकेलिप्टस के बड़े बड़े पेड़ हैं, और बीच में रोड, और इन पेड़ों के दोनों साइड में ये गेहूं के खेत हैं हरे भरे, बहुत सुंदर लग रहे हैं, और साथ में गन्ने के खेत भी हैं इधर। अभी भी डेस्टिनेशन 74 किलोमीटर है, और बहुत ही बढ़िया भाई जगह है, बहुत ही बढ़िया। भाई साहब गजब है यार, ये सब चीजें नज़ारे बड़े गजब के हैं। और भाई हम रुकेंगे आधे घंटे के बाद, हम रुकेंगे चाय पीने के लिए, चाय पीनी है। हाँ जी भैया, बढ़िया बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो सभी? अच्छा लोकल है, चल हैं देखते हैं, चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ आएंगे सब, आ गए ब्लॉग में आप सभी, ओके। सभी भाई मिले हैं अभी। ये कौन सी जगह भाई, लोकल है क्या? नहीं कौन, जगह का नाम क्या है इसका? जलंधर। अच्छा जलंधर पहुंच गया ना हम, ओके भाई। ओके भाई थैंक यू भाई, बाय भाई। लोकल बंदे मिले हैं यहाँ के, बोलते हैं कि वीडियो देखते हैं मेरी। चलो और बाकी फैमिली मेंबर तो निकल गए आगे गाड़ी में, थोड़ा सा उनको पकड़ते हैं अभी चल के। और भाई टोल भी क्रॉस हो गया, अभी धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं, और टाइम पता क्या रखा है, 4 बज गए हैं, 1 घंटा और, हाँ एग्जैक्ट 5 बजे पहुंच जाएंगे हम अमृतसर, और उसके बाद ढूंढेंगे अपना होटल जो बुक करवा रखा है। पापा जी का आ गया फ़ोन, हेलो। हाँ पापा आगे मिल दी दुकान तो रुक देना, ओके पापा। तो पापा जी बोल रहे हैं कि रुकेंगे आगे चाय पीने के लिए। भाई पंजाब में किसान खेती करते हैं भाई, देख के लग रहा है पूरे खेत हरे भरे गेहूं के, हरियाली हरियाली भाई, मेहनत का काम है इतने बड़े बड़े खेतों में जुताई करना। ऐसा नहीं है ना कि जुताई कर दी उसके बाद काम खत्म हो गया, बहुत काम होता है जब तक फसल पक नहीं जाती तब तक, और पकने के बाद कटाई करना, उसको फिर बेचना मंडी में जाके, बहुत काम करते हैं किसान। ओके भैया थैंक यू, कोई बात नहीं, थैंक यू भाई।
चलो अगर अच्छा लगेगा कंटेंट तो जरूर उसको सब्सक्राइब करना। हाँ जी, उसका नाम राजा है। हाँ जी। सो गाइस यहाँ पे पी हमने चाय और अभी भी 41 किलोमीटर और है, चलेंगे। और यहाँ से भी फैमिली भी आ रही है पीछे, इनको निकलने देते हैं ना। और यहाँ पे ये ब्यास के पास में हमने चाय वगैरह पी है और अच्छा रहा। बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी किया इधर। और धूप है अभी भी और टाइम 5:36 का ईटी हो गया, अभी आधा घंटा आगे बढ़ गया बिकॉज हम चाय के लिए रुके थे आधा घंटा इधर। क्या ही खूबसूरत है ये एंट्री द्वार, देखो दिल खुश हो गया देख के यार। भाई कारीगिरी जो है ना बड़ी सुंदर है। रोड बड़े सुंदर हैं यहाँ के। सो गाइस गूगल ने तो बता दिया कि हम पहुँच गए अमृतसर हो गया, पर अभी यहाँ पे लेते हैं साइड और बात करता हूँ इनसे। यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें होटल का मैप। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं अपने होटल में और यहाँ अभी लगा रहे हैं पार्किंग में गाड़ी। मैंने तो खड़ी कर दी अपनी बाइक इधर, होटल जाके थोड़ा सा देर रेस्ट करेंगे फिर जाएंगे हम गोल्डन टेम्पल। तो गाइस ये है रूम, एक तो रूम ये है अपना। और ये एक रूम ये है। सो गाइज मैं हो चुका हूँ फ्रेश और अभी हाँ निकल रहे हैं हम गोल्डन टेम्पल जाने के लिए। तो अभी निकल रहे हैं और थोड़ा सा मार्केट भी घूमेंगे अमृतसर की। और ये अपना रूम है और बाकी सब फैमिली मेम्बर दूसरे रूम में है। मैंने ये रूम हमारा जेंट्स का रूम है तो वो अभी सभी गप्पे शप्पे मार रहे हैं साथ में बैठ के और रेडी हो रहे हैं निकलने के लिए। और निकलेंगे अभी थोड़ी देर में और घूमेंगे फिर अमृतसर। हम पहले जाएंगे गोल्डन टेम्पल और रास्ते में और जो भी दिखेगा वो दिखाऊंगा मैं आपको। ये खड़ी है अपनी बाइक और कल निकलेंगे बाइक लेके, अभी हम जा रहे हैं पैदल ही। अब निकलेंगे पैदल और जहाँ पे रुके ना इस सारी लाइन में सब होटल्स ही हैं, मुझे लग रहा है पूरे सब होटल हैं गलियाँ जो हैं इनकी। पाजी से पूछा जो रिसेप्शन पे थे, उन्होंने बोला कि 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर चलने में अगर 10 मिनट लगाते हैं तो 20 मिनट में पहुँच ही जाएंगे हम। जो मंदिर है ना गोल्डन टेम्पल का अभी भी बता रहा है 1.4 किलोमीटर, जो मेन जो एक्स्ट्रा जो बाहर वाला जो बड़ा गेट था ना उसके बाद भी 1.4 किलोमीटर और है। और ये देखो अंदर मार्केट है, क्या ही खूबसूरत मार्केट है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत मार्केट है ये देखो। तो गाइस अभी मैं हूँ गोल्डन टेम्पल में और बहुत ही सुंदर है अंदर से और माथा टेकने के लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। और यहाँ पे लोगों की भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के दिलों में क्या आस्था है इस मंदिर के प्रति। ये देखो बहुत लंबी लाइन है माथा टेकने के लिए, देखते हैं अभी अगर नंबर आ जाता तो नहीं तो अर्ली मॉर्निंग आएंगे और माथा टेक के जाएंगे फिर। Thank you.
गोल्डन टेम्पल घूम के हम वापस रूम में आ गए हैं गाइस, और अभी टाइम हो गया 10:15, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ और मिलता हूँ आप सभी से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।